और बुलेटिन में सबसे पहले बात कर्नाटक की करेंगे, जहां पर आज नए सीएम अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। बसवराज की इनिंग्स अब शुरू होने जा रही है। करीब घंटे भर बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी बसवराज बोम्मई संभालेंगे। सुबह 11 बजे बेंगलुरु में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। बसवराज येदियुरप्पा की जगह ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में इस बार बीजेपी 3 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले को आजमाने जा रही है। शपथ ग्रहण से पहले बसवराज ने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद वो कैबिनेट की बैठक करेंगे, फिर कोविड और बाढ़ के हालात पर सीनियर अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग कर हालात की जानकारी लें। 11 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। अब से एक घंटे बाद सीएम पद की शपथ लेंगे बसवराज बोम्मई। दो तस्वीरें जब बसवराज के नाम पर मुहर लगी, उनका रेस में सबसे आगे नाम चल रहा था। लिंगायत समुदाय से आते हैं बसवराज बोम्मई और छठे सीएम होंगे वो। पिछले 10 साल में बसवराज बोम्मई छठे सीएम होंगे कर्नाटक के। मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, किस तरीके की तैयारियां वहां पर शपथ ग्रहण को लेकर, और जो 3 डिप्टी सीएम के लगातार नाम की चर्चा की जा रही है उन पर भी मोहर लग चुकी है क्या? जी हाँ, अभी हम बसवराज बोम्मई देख, लेकिन सुन भी चीफ मिनिस्टर का घर के पास ही है, देख रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे ज़रा सा पुलिस और सिक्योरिटी सब कुछ बड़ा हो गया। कल लाइक अराउंड 7 PM जब ये ऑब्जर्वर्स दिल्ली से आए थे, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया हुआ था। और लेकिन पिछला सीएम वो येदियुरप्पा वेरी क्लियरली मेंशन दैट ही इज़ द वन, उनका बसवराज बोम्मई का नाम को प्रपोज किया था। अब क्या हो रहा है कि सुबह से बसवराज बोम्मई ही वेंट टू सेवरल टेम्पल्स, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को भी वो जाकर देखा था उस रिसोर्ट के, उसके बाद ही वेंट टू येदियुरप्पा की हाउस, वहां पे भी करके देखकर लाइक हैज कम बैक हियर। वी आर वेटिंग फॉर बसवराज बोम्मई टू लीव अलोंग विद हिज फैमिली टू द राजभवन यहां पे। एंड आल्सो रिगार्डिंग द डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, उन्होंने वेरी क्लियरली बोल दिया कि पहले अभी आज ही विल बी स्वोर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर, पोस्ट विच डिसीजंस विल बी टेकन। अभी बसवराज बोम्मई बोल रहे हैं कि पहला इसका काम होगा टेक केयर ऑफ कर्नाटका फ्लड्स, उसके बाद ही पूरा और काम पे ही विल एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट इन टू। प्रमोद, साथ ही ये भी क्या जानकारी मिली है अभी तक कि ये तीनों डिप्टी सीएम लिंगायत समुदाय से हैं या फिर नॉन लिंगायत समुदाय से हैं, इस बारे में कोई जानकारी? क्योंकि सीएम को लेके भी ये कहा जा रहा था कि किसके नाम पर मुहर लगेगी, वो लिंगायत समुदाय से होगा या फिर गैर लिंगायत समुदाय से। जरूर, इस पे सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन के पास है कि लाइक यू नो पहले से ही येदियुरप्पा ने बोल दिया कि यहाँ पे एक लिंगायत का ही सीएम होगा, उसकी बेस्ड ऑन दैट ओनली बसवराज बोम्मई को चूज किए थे। पर ये डिप्टी सीएम पे ऑल तीनों लिंगायत होने का दैट परसेंटेज इज अ लिटिल बिट लो, बिकॉज नाउ दे हैव टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ वेरियस अदर सेक्टर्स इन साइड कर्नाटका एज वेल, सो उसका भी कॉन्सेंट्रेट होगा। इसका डिसीजन अभी सेंट्रल ऑब्जर्वर्स धर्मेंद्र प्रधान, किशन रेड्डी और सीटी रवि भी यहाँ पे है, इनके साथ ये खुल मिलाकर डिस्कस करेंगे, उसके बाद भी उस डिप्टी सीएम पे डिसीजन लेंगे। नजर बनाए रखिए। इस बीच आपको ये बता दें कि 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होना है। कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर प्रमोद, किस तरह की तैयारी, क्योंकि जाहिर तौर पर ज्यादा लोगों को निमंत्रण नहीं दिया जा सकता है। पर राजभवन पे अभी लाइक यू नो कोविड प्रोटोकॉल्स को जरूर फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे कल भी जब वो मीटिंग हुआ था कैपिटल हॉल, उस पर भी लाइक यू नो ऑल द एमएलएस वहाँ पे भी कोविड प्रोटोकॉल्स था। पर व्हेन इट कम्स टू द लोकेशन, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफिकल्टी है मेंटेन करने का, स्पेशली एट राजभवन, वहाँ पे बहुत सा क्राउड गैदर होने का पॉसिबिलिटीज है। हाउएवर पुलिस आर देयर एंड दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट कोविड प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड इन ईच एंड एवरी प्लेस, बिकॉज कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला आर सम स्टेट्स वेयर द कोविड कंसर्न इज रियली हाई, इसीलिए सब कुछ एसओपीज मेंटेन करने के लिए दे आर ट्राइंग द मैक्सिमम। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास प्रमोद, क्योंकि आप बसवराज बोम्मई के घर के बाहर मौजूद हैं। वहां पर इस वक्त काफी ज्यादा हलचल देखी जा रही है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी ने अपनी सरकार नए सिरे से बनाने की तैयारी कर ली है। नया सीएम, नई सरकार, नए डिप्टी सीएम, लेकिन विपक्ष को इसमें भी सियासत दिखाई दे रही है। व्हाट एवर डिसीजन आवर पार्टी हाई कमांड हैज टेकन, इट हैज टेकन अ वेरी वेरी राइट डिसीजन, बिकॉज मिस्टर बसवराज बोम्मई is a very experienced and very knowledgeable, very wise politician our Karnataka has seen. He has the whole state, he knows like back of his hand. So his knowledge and his experience will come in handy for the party now. I am sure under his leadership
our party and state both will do well. कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री हो गया है अभी, ये वैयक्तिक बहुत अच्छा संवेदनशील आदमी है। मैं सोचता है बोम्माई जी ये उत्तम अत्युत्तम एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है कर्नाटक के लिए। ये कर्नाटक का बहुत अदृष्टशाली मुख्यमंत्री है। बसवराज बोम्मई के घर के बाहर से मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि बसवराज बोम्मई ही रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन कई और ऐसे भी नाम थे जो उस वक्त चर्चा में थे, लेकिन बसवराज बोम्मई को ही क्यों चुना गया? बसवराज बोम्मई अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने सीएम पद को ग्रहण करने से पहले, सुनिए। I knew that I was one among the 6-7 people in the reckoning, but I had kept my finger crossed for so many reasons. I had not been to Delhi. Yeah. However, my Prime Minister Shri Narendra Modi ji, my Home Minister Amit Shah ji, Defence Minister Rajnath Singh ji, and my Central President Nadda ji has given a detailed thought on this and reposed such a faith in me, and they have, in spite of so much of fierce competition, they have chosen me. I am grateful to them. I really thankful to them, and I promise the people of Karnataka and promise the my central leadership that I will rise to the occasion. I will try to keep up whatever the faith and trust they have kept in me. I will try to keep it up. अगली खबर का रुख करेंगे। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोनिया गांधी से और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकती हैं। मिशन 2024 के मद्देनजर गैर एनडीए दलों के नेताओं से ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। कल प्रधानमंत्री से मुलाकात थी और आज गैर एनडीए नेताओं से मुलाकात ममता बनर्जी करने वाली है। सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के नाम इसमें शामिल है। दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सोनिया गांधी से सबसे पहले मिलेंगी ममता बनर्जी। 5 दिवसीय उनका यह दौरा है। शाम को अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात हो सकती है। और इससे पहले कल दिल्ली दौरे के पहले दिन ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा उठाया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। वहीं उन्होंने बंगाल को ज्यादा कोविड वैक्सीन मुहैया कराने की भी मांग की। मैं आफ्टर 2 ईयर्स दिल्ली में आया और हम प्राइम मिनिस्टर के पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा कार्टेसी विजिट है कि चुनाव के बाद एक दफे भेंट करने पड़ता ही है सब। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसी के लिए मैं कॉलन किया है। पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोगों को होना चाहिए। लोकसभा अभी देर है लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का इलेक्शन है। यू सी इन डेमोक्रेसी इफ यू वांट टू फाइट यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट पार्टी टू पार्टी। व्होएवर इज अ लाइक माइंडेड पार्टी एवरीबॉडी मस्ट वर्क टुगेदर। बहुत सारे पार्टी है, जो पार्टी मेरा दोस्त भी है, पुराना दोस्त भी है, और जैसे कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, ये लोग आए और भी लोग आने वाला है, जर्नलिस्ट भी इसका अंदर में है। मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। ममता दिल्ली में है और कल प्रधानमंत्री से वो मुलाकात कर चुकी हैं। आज सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होनी है। आखिर दीदी के मन में क्या है, सियासी हलकों में दीदी के दौरे पर क्या चल रहा है? 2019 में भी पूरी तैयारी की थी उन लोगों ने,
और भाजपा 282 से 303 पहुंच गई। बाकी सब पार्टी अब हसीये में आ गए हैं, किसी चीज का अस्तित्व संकट है। कोई पार्टी ऐसी है जिनके प्रतिनिधि लोकसभा विधानसभा में नहीं है, ममता बनर्जी की एक दर्जन सीट कम हो गई थी, तो उससे कम से कम समझ लेना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। और इस प्रकार तैयारी पहले भी होती थी, सीपीएम पार्टी जब सत्ता में थी तो इसी प्रकार भूमिका निभाती थी, लेकिन आज सीपीएम कहाँ है, ढूंढ के नहीं मिल रहा है। तो ममता बनर्जी बंगाल में असफल हो रही है, वहाँ सरकार की प्रगति में कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर गया है, लोकतंत्र नहीं है, तो उसको पहले संभाले। दिल्ली और देश को संभालने के लिए मोदी जी हैं, और जब तक मोदी जी हैं देश निश्चिंत है। समान विचार वाले, ये तो हमारा सदैव दृष्टिकोण रहा है कि जो समान सोच के समान विचार के लोग हैं, जो भारत के संवैधानिक प्रजातंत्र में निष्ठा रखते हैं, उनको नज़दीकी से एक साथ सहमति ज़रूर रहनी चाहिए। पर इस पे जो भी आगे बात बढ़ती है या जो भी कोई निर्णय होते हैं, वो श्रीमती सोनिया गांधी हमारी नेता है, कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, वही वो बातचीत करेंगी। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे आज कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक।